हेलो क्लास, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना जो डाइजेशन ह्यूमन बीइंग का है उसके आगे की प्रोसेसेस, जिसमें हमने होलोजोइक न्यूट्रिशन का इंजेशन पार्ट कर लिया था और डाइजेशन पार्ट कर रहे थे, और डाइजेशन पार्ट में हमने स्टमक तक की डिस्कशन कर लिया था। अब हम डिस्कशन करेंगे डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। हमने ये बात कर ली थी कि स्टमक के अंदर फूड आ जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से, और वो फिर वहाँ पे चर्न अप होता है, वहाँ पे उसके अंदर गैस्ट्रिक जूसेस ऐड होती हैं। ये सब होने के बाद अब वो फूड पुश हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, इजंट इट। द डाइजेशन ऑफ फूड इज कम्प्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। मेजरली जितना डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो होता है कम्प्लीट होता है। इट रिसीव बाइल जूस फ्रॉम द लिवर। लिवर जो सिक्रीट करता है बाइल जूस और उसको स्टोर करता है गॉल ब्लैडर में, वो सिक्रीशन फाइंड आउट करता है इंटेस्टाइन बाइल जूस कहाँ से, लिवर से। एंड पेंक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पेंक्रियास। और सेकेंड चीज क्या उसके अंदर ऐड होता है, पेंक्रियाज का पेंक्रियाटिक जूस पेंक्रियाज से। एंड ऑल्सो सिक्रीट सेवरल डाइजेस्टिव जूस ऑफ इट्स ओन। और खुद के भी इंटेस्टाइनल जूसेस सिक्रीट करता है जो उस फूड में ऐड करेगा और उसको डाइजेस्ट करेगा। इट मीन्स अगर हम बात कर रहे हैं, एक डायग्राम दिखाती हूँ, इससे क्लियर होगा आपको बच्चों। जैसे स्टमक से जब फूड आता है तो उसके अंदर लीवर से बाइल जूस ऐड होगा, ठीक है। ये जैसे ये वाला पार्ट स्टमक से आ रहा हो मान लो, इसमें क्या क्या ऐड हुआ, बाइल जूस। पेंक्रिया से क्या ऐड हुआ, पेंक्रियाटिक जूस। और ये कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में खुद के क्या होंगे, इंटेस्टाइनल जूसेस, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, इट रिसीव बाइल जूस फ्रॉम द लिवर एंड पेंक्रियाटिक जूसेस फ्रॉम द पेंक्रियास एंड ऑल्सो सिक्रीट सेवरल डाइजेस्टिव जूसेस ऑफ इट्स ओन। नाउ अब इनके फंक्शंस किस किस के, बाइल जूस का, पेंक्रियाटिक जूसेस का और जो इंटेस्टाइनल जूस है उसके फंक्शंस देखेंगे हम। बाइल जूस मेक्स द फूड एल्कलाइन। अभी तक हमारा फूड जो स्टमक में था वो कैसा था, एसिडिक था। एसिडिक फूड है तो हमने कंडीशन ये भी देखी थी, एसिडिक फूड क्यों होना जरूरी है, क्योंकि जो एक्सटर्नल फॉरेन बॉडीज है जैसे बैक्टीरिया जर्म्स वगैरह वो किल करने हैं, और सेकेंड हमारे जो इनएक्टिव जो एंजाइम्स है उनको एक्टिव फॉर्म में लेके आना, इसीलिए जो एसिडिक मीडियम में वो रिक्वायर्ड था। अब जो फूड एसिडिक है वो कन्वर्ट किस में होगा, फिर से एल्कलाइन बेसिक में कन्वर्ट होगा। तो उसको बेसिक कौन बनाएगा, बाइल जूस। जो कौन सिक्रीट कर रहा है, हमारा लिवर सिक्रीट कर रहा है। बाइल जूस मेक द फूड एल्कलाइन एंड हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट। सेकेंड फूड को एल्कलाइन किया और सेकेंड काम क्या किया, डाइजेशन ऑफ फैट को ईजी किया। जो लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो बाइल जूस के दो फंक्शन हमारे पास कौन से हो गए, मेक द फूड एल्कलाइन मतलब बेसिक बना देता है, और सेकेंड हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट। नेक्स्ट जो पेंक्रियाटिक जूसेस है उनका काम देखना है हमें। पेंक्रियाटिक जूसेस हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। मेजरली जो प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स जो डाइजेस्ट होंगे वो किसकी हेल्प से होंगे, जो पेंक्रियाटिक जूस है उसकी हेल्प से। नेक्स्ट इंटेस्टाइनल जूस जो है पूरा कंप्लीट डाइजेशन देखेगा, किसका, प्रोटीन्स का, फैट्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का, सबका। देखो इंटेस्टाइनल जूस हेल्प इन द कंप्लीटिंग द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। इट मीन्स बाइल का फंक्शन मेक द फूड एल्कलाइन एंड डाइजेशन ऑफ फूड। पेंक्रियाटिक जूसेस का काम प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करना। इंटेस्टाइनल जूस का काम कंप्लीट डाइजेशन शो अप करना, किसका, प्रोटीन्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का और फैट्स का। अब अगर हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जिसका सिक्रीशन ऐड हो गया है फूड के अंदर। अब हम अगर बात करें व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, प्रोटीन्स आर ब्रोक डाउन इनटू अमीनो एसिड्स। अब यहाँ पे जो जूसेस अभी हमने नाम बोले थे, पेंक्रियाटिक जूसेस, इंटेस्टाइनल जूसेस, बाइल जूसेस, ये काम किस में करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो फंक्शन किसके इंक्लूडेड कहलाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो वहां पे क्या होगा, प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाएगा, प्रोटीन सिंपलर फॉर्म में टूटेगा, और वो सिंपलर फॉर्म कौन सी, अमीनो एसिड्स की। कार्बोहाइड्रेट्स ब्रोकन डाउन होगा किस में, सिंपलर फॉर्म कौन कौन सा, ग्लूकोज एंड शुगर्स, ग्लूकोज जो कि कौन से शुगर्स है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है। मैं दोबारा बोल रही हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ब्रोक डाउन होंगे किसके अंदर, ब्रोक डाउन होंगे सिंपलर शुगर्स के अंदर, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, सच एज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, इजंट इट। अब यहाँ पे फैट्स आर हाइड्रोलाइज्ड इनटू, फैट्स जो हाइड्रोलाइज का मतलब है यहाँ पे ब्रेक डाउन होंगे किसमें, फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल्स में,
ये आपको पता होना चाहिए व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। तो आप लिखोगे प्रोटीन डाइजेस्टेड इन अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टेड इन सिंपलर शुगर्स ग्लूकोस और फ्रक्टोस, फैट्स इज डाइजेस्टेड इन द सिंपलर फॉर्म कौन सा, फैटी एसिड्स एंड आपका ग्लिसरॉल। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंटेस्टाइनल वॉल एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। अब जो इंटेस्टाइन की वॉल होती है वो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करती है, वो कैसे करती है मैं आपको डायग्राम दिखा रही हूँ। इसके पास होती है इस तरह का स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं आपकी विलीज। ये विलीज क्या करती है, जो फूड डाइजेस्ट हो रहा है उसको एब्जॉर्ब करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की पार्ट हो रही है, इंटेस्टाइनल विली कहलाती है। ये जो वॉल के अंदर प्रेजेंट होती है एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर, उसके अंदर इस तरह के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं अप एंड डाउन में। तो वहां पे वो क्या होता है, जितना फूड डाइजेस्ट हो चुका है जो भी हमने बोला है सिंपलर फॉर्म अमीनो एसिड ये फैटी एसिड जो भी है तो उसको एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ग्लैंड की, कौन सा है, लिवर। ठीक है, क्योंकि लिवर और जो पेंक्रियाज है वो अपना सिक्रीशन किसको दे रहे थे, फूड को दे रहे थे ताकि उन फूड का डाइजेशन ईजी हो सके। तो यहाँ पे अगर हम पहले बात करते हैं लिवर, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, ये हम सबको पता है बेटा, वन वर्ड्स आपको इजीली याद होंगे। लिवर सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है बॉडी में, इट इज द रेडिश ब्राउन चॉकलेट कलर का होता है, रेडिश चॉकलेट ब्राउन कलर का होता है एंड लाइज जस्ट बिलो द डायफ्रेम, डायफ्रेम के जस्ट बिलो होता है साइड ऑफ द स्टमक ऑन द राइट हैंड साइड। ठीक है, और हम अगर राइट हैंड साइड पर लिवर है तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारा कौन हो जाएगा, स्टमक। ओके, लिवर इज अबाउट 2 किलोग्राम इन वेट, 2 किलोग्राम का अप्रॉक्स वेट होता है। ठीक है, थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें हैं, अच्छा है बेटा ग्रैप करोगे। ठीक है, इट इज इट सेल मेक बाइल विच इज स्टोर्ड इन द गॉल बैडर, इसके सेल जो है वो बाइल जूस बनाएंगे, ये जो सेल्स हैं इसके जो लिवर के सेल्स है बाइल जूस बनाएंगे और बाइल जूस कहाँ स्टोर हो जाएगा, गॉल बैडर में। ठीक है, अब यहां पे देखो, When food from the stomach enters small intestine, bile is released in it. जो food stomach से enter करता है किसमें, small intestine। मान लो stomach की pipeline थी जो यहाँ stomach था, उससे जब small intestine में add होता है तो उसी time क्या होता है, bile juice भी enter करता है, release होता है और which aid in the digestion of fat, जो कि क्या काम कर रहा था, digestion of fat। हमने बात की थी अभी जो fat का digestion करने में, मतलब fat का hydrolysis करने में, और second काम क्या था उसका, टू मेक द फूड एल्कलाइन, ये दोनों काम थे ना लिवर के बाइल जूस के। तो वही बात है, जो फूड को है वो क्या बनाएगा, एल्कलाइन बनाएगा और सेकेंड चीज डाइजेशन ऑफ फैट को हेल्प करेगा। अगला जो ग्लैंड हमारा वो है पेंक्रियाज, पेंक्रियाज पेंक्रियाज इज अ पिंक कलर्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसे पिंक कलर बोला है लेकिन थोड़ा कलर आपको इंटरेस्ट दिखाने के लिए किया हुआ है, इज इट क्लियर। वैसे पिंक कलर्ड लीफ लाइक ग्लैंड होती है, इट मेक्स अबाउट 2 लीटर्स ऑफ पेंक्रियाटिक जूसेस ईच डे, हर दिन, इम्पॉर्टेंट बात बोल रही हूँ, हर दिन वो कितना जूस सिक्रीट करता है, 2 लीटर्स ऑफ द पेंक्रियाटिक जूसेस। कितना जूस सिक्रीट कर रहा है वो यहाँ पे, पेंक्रियास जो सिक्रीशन है उसका 2 लीटर्स पेंक्रियाटिक जूसेस ईच डे। नेक्स्ट, इट्स एंजाइम कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल द 3 फूड कंपोनेंट्स, जो 3 कंपोनेंट्स कौन से थे, कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स प्रोटीन्स, ये सभी को हेल्प करता है, लेकिन मेजरली अगर हम बात करें तो प्रोटीन्स और मेजरली अगर हम बात करें तो वो डाइजेस्ट करता है किसको, प्रोटीन्स को और कार्बोहाइड्रेट्स को, बट ये तीनों में डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं, अब हमारा जो होलोजोइक न्यूट्रिशन का इंजेशन पार्ट जो माउथ में हो चुका था, डाइजेशन प्रोसेस पूरा हो चुका है जिसमें हमारा ग्लैंड भी पढ़ लिया हमने और जो स्टमक वगैरह वो सब देख लिया, स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह भी देख लिया है। अब हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन का 3rd स्टेप चल रहा है, वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड मेनली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, मेजरली मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था डाइजेस्टेड फूड किस में एब्जॉर्ब होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेज आर
पास्ड इनटू द ब्लड वेसल। अब जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस है वो कहाँ चलेगा, ब्लड वेसल में। आपको डायग्राम दिखा रही हूँ, देखो विलीज है इंटेस्टाइन की, वो एब्जॉर्ब करेगी और उसको कहाँ पहुंचा देगी, ब्लड कैपिलरीज में। देखो ये ब्लू रेड दिख रही है, इनमें फूड को पास आउट कर देगा, तो इन ब्लड वेसल्स में फूड को पहुंचा देगा एंड ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में वो ब्लड उसको पहुंचा देगा, किसको, डाइजेस्टेड फूड को। फॉर एफिशियंट एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट द इंटेस्टाइन हैज ए फॉलोइंग प्रिक्वलैरिटीज। अब मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके इसके लिए इंटेस्टाइन की क्या इंपॉर्टेंट बात, एफिशिएंसी है, वो बढ़ाता कौन कौन है, इंटेस्टाइन इज वेरी लॉन्ग, एक ये बात। अब क्वेश्चन आ जाए व्हाई इंटेस्टाइन इज सो लॉन्ग, बिकॉज टू इंक्रीज द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड एंड मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ द फूड। नेक्स्ट, द लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन इज थिन टू अलाउ रैपिड डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंस। जो इंटेस्टाइन की लाइनिंग होती है बहुत थिन होती है ताकि जल्दी जल्दी फूड डिफ्यूज अप हो सके, मतलब जल्दी जल्दी फूड है वो ब्लड के अंदर मिल सके। नेक्स्ट, द इनर वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन कंटेन न्यूमेरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। जो इनर वॉल है, जैसे एक ये पाइप और यहाँ पे पाइप, तो इसके अंदर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, विलीज करते हैं बोलते हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बहुत सारी होती है जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करती है। द विली इंक्रीजेस सरफेस एरिया ऑफ द इंटेस्टाइन, सरफेस एरिया बढ़ाती है, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो नंबर ऑफ टाइम्स अप्रॉक्स 5 times जो एब्जॉर्प्शन है वो डाइजेस्टेड फूड का इंक्रीज हो जाता है। ईच विलस इज सप्लाइड विद द एट्रियोल्स अ वेन्यूलस एंड अ ब्लड कैपिलरीज अ लिम्फ वेसल एंड अ टैक्टिकल और लिम्फ कैपिलरी। थोड़ा आपके लिए मुश्किल पड़ेगा, आप सिंपल ये देख लीजिए कि हर विलाई के पास क्या है, ब्लड की सप्लाई के लिए वेसल्स होती हैं, जो हमने फर्स्ट पॉइंट इसमें पढ़ा था, यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, अब उसके बाद है द फेट ऑफ एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। अब है कार्बोहाइड्रेट, ड्यूरिंग डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज, ये हम बात कर चुके हैं, वही चीजें बात होंगी। अब ग्लूकोज विच इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, सबसे ज्यादा सोर्स हमें किससे मिल, एनर्जी का सोर्स कौन है, ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट से। अब वहां पे ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एनर्जी रिलीज करता है सेल्स के अंदर। एक्सेस ऑफ ग्लूकोज, अगर ज्यादा ग्लूकोज है तो वो कहां स्टोर हो जाएगा, लिवर में। ये इंपॉर्टेंट बात बोल रही हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इवन वर्ड्स के फॉर्म में। एक्सेस ग्लूकोज है वो कहाँ स्टोर्ड होता है, लिवर में। नेक्स्ट, प्रोटीन्स, प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन टू अमीनो एसिड्स ड्यूरिंग डाइजेशन, ये भी हम बात कर चुके हैं कि उसमें प्रोटीन्स किस में डाइजेस्ट हो जाते हैं, अमीनो एसिड्स में। उसके बाद है द अमीनो एसिड्स आर यूज टू बिल्ड न्यू लिविंग मटीरियल्स ऑफ द सेल। अमीनो एसिड्स का काम करता है न्यू बिल्डिंग सेल्स बनाने में काम करता है। मैंने आपको बताया था ना, प्रोटीन हेल्प इन द रिपेयरमेंट ऑफ द बॉडी, तो प्रोटीन में अल्टीमेटली कौन रिपेयरमेंट कर रहा है, अमीनो एसिड, जो सिंपलर फॉर्म है प्रोटीन्स का वो। नेक्स्ट, फैट्स, दीज आर स्टोर्ड इन द स्टोरेज डिपोर्ट्स ऑफ द वेरियस बॉडी पार्ट्स। फैट है वो स्टोर हो जाता है एनर्जी के फॉर्म में बॉडी पार्ट्स में। नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन। अब एब्जॉर्प्शन चल रहा है तो एब्जॉर्प्शन की बात कहाँ, अब ये जो था ये वाला प्रोसेस, ये एसिमिलेशन प्रोसेस है, ये वाला जो प्रोसेस है फेट ऑफ एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट का क्या होता है, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं और वहां से एनर्जी गेट रिलीज होती है, तो ये वाला स्टेप हम कर सकते हैं एसिमिलेशन ऑफ द एब्जॉर्ब फूड। अब क्योंकि वो फूड जो अनडाइजेस्टेड है वो कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होगा किसका, इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स और वाटर का। देखना, लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 1.5 meters लॉन्ग, इट एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। क्योंकि जो अनडाइजेस्टेड फूड जो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में गया है, वहां से वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, लास्ट टॉपिक, एडिशन ऑफ द फूड, जिस फूड में से, जिस अनडाइजेस्टेड फूड में वाटर और सॉल्ट एब्जॉर्ब हो चुके हैं, अब वहां पे वो जो फूड क्या है, जो वेस्ट मटीरियल है, अब अल्टीमेटली कहां से मिला, लार्ज इंटेस्टाइन से, वो एडजस्ट आउट होगा, बॉडी से रिमूव आउट होगा थ्रू डिफेसिकेशन, फेसेस की फॉर्म में। द सेमी सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड इज पुश्ड आउट ऑफ द एनस, एनस से पुश आउट हो जाएगा, ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है, दिस इज कॉल्ड द एडिशन ऑफ द और डिफेसिएशन, ठीक है, रिमूव आउट ऑफ द बॉडी वेस्ट मटीरियल। द अनडाइजेस्टेड फूड रेसिड्यू दैट एंटर द रेक्टम फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन, अब जो फीसेस है, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, फीसेस। ये तो हो गया ह्यूमन बीइंग में। अब हम बात करते हैं डाइजेशन ऑफ फूड इन रूमिनेंट्स।
ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक काउ बिफलोज हॉर्स एक्सेट्रा हैव अ पार्ट ऑफ देयर स्टमक स्पेशलाइज टू स्टोर हाफ च्यूड फूड इन रूमिनेंट्स कौन से जैसे काउ बफलोज हॉर्स वगैरह के पास क्या होता है हाफ च्यूड फूड को डाइजेस्ट करने का स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है. देखो आप हम कहते हैं ना कि एनिमल्स है वो जुगाली करते हैं कि मतलब वो जो फूड स्टमक में ले जा चुके हैं उसको दोबारा से क्या करते हैं माउथ में ला के डाइजेस्ट करते हैं. ठीक है दिस इज कॉल्ड द रूमन एंड द एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स. वो जो पार्ट है स्पेशलाइज्ड ऑर्गन पार्ट ऑफ द स्टमक का स्पेशलाइज्ड पार्ट है अ पार्ट ऑफ देयर स्टमक स्पेशलाइज्ड टू स्टोर. ठीक है तो वो क्या है रूमन. वहां पे ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर रूमन्स है ऐसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं रूमिनेंट्स. क्या बोलते हैं रूमिनेंट्स. द स्टमक ऑफ रूमिनेंट्स हैव फोर चैम्बर्ड. जो स्टमक है रूमिनेंट्स का उसके अंदर फोर चैम्बर्ड होते हैं. दीज चैम्बर्स आर रूमन रेटिकुलम ओमासम एंड ओबोमासम. ये फोर पार्ट्स हैं किसके इस फोर चैम्बर्ड जो हमारा स्टमक है उसके जो रूमन कहलाता है हमारा. देखो यहाँ पे हमारे पास काउ का डायग्राम दिखा रखा है जिसके पास हमारे पास क्या है रूमन है ओमासम है ओबोमासम है और रेटिकुलम है. ये फोर पार्ट्स हैं जो कि जो हाफ च्यूड फूड को इजीली डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल है. रूमिनेंट ईट फूड क्विकली एंड स्टोर इट इन द रूमन. रूमिनेंट बहुत जल्दी फूड खाते हैं उसको स्टोर कर लेते हैं रूमन में. वेयर इट इज पार्शली डाइजेस्ट जहाँ पे वो पार्शली मतलब इनकम्प्लीटली डाइजेस्ट है. द पार्शली डाइजेस्ट फूड इज कॉल्ड द कड. वो पार्शली डाइजेस्ट जो आधा अधूरा डाइजेस्ट है उस फूड को हम क्या बोलते हैं कड. वेन रूमिनेंट स्टॉप फीडिंग जब वो खाना नहीं खा रहे होते हैं जब वो जो चारा नहीं यूज खा रहे होते हैं तब उस फॉर्म में तब उस टाइम में द कर्ड रिटर्न टू द बकल कैविटी. तब उस टर्न में बकल कैविटी में वापस से फूड आता है. ठीक है इन स्मॉल लम्स थोड़े थोड़े अमाउंट में एंड इज च्यूड अगेन और वो दोबारा उसको च्यू करता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन. उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं रूमिनेशन. इज इट क्लियर क्लास. तो वो कहते हैं जिसे कहते हैं जुगाली करना रूमिनेशन. नेक्स्ट अगर हमारे पास बात आता है अब देखो अ काउ रूमिनेटिंग फूड. देखो बैठी है काउ कोई खाना नहीं खा रही लेकिन वो क्या कर रही फूड को दोबारा दोबारा च्यू कर रही है उसके मुंह से झाग वगैरह भी निकलते हैं है ना देखा है ना आपने. अब है डाइजेशन ऑफ सेलुलोज. क्योंकि अब ये जो प्लांट के प्रोडक्ट में मेजरली क्या होता है सेलुलोज होता है तो रूमिनेंट्स को डाइजेस्ट कैसे करते हैं उसको. ठीक है तो प्लांट फूड इज रिच इन सेलुलोज. प्लांट्स के पास क्या है सेलुलोज होता है ज्यादातर. इन रूमिनेंट्स सेलुलोज इज डाइजेस्ट इन स्पेशल सैक. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि ये चारा खाते हैं तो वो मेजरली क्या खा रहे हैं सेलुलोज. और सेलुलोज खा रहे हैं तो वो डाइजेस्ट होता है किसमें स्पेशल सैक में प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन. जो उनके जो जहाँ पे स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन मिल रही होती हैं उनके वहां पे स्पेशल सैक होते हैं और जिसे क्या बोलते हैं कैल्शियम. ठीक है वहां पे उसका डाइजेशन होता है. इज इट क्लियर. नेक्स्ट है सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन. द सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द आवर बॉडी आर डायरेक्टली लिंक टू न्यूट्रिशन. डायरेक्टली किससे न्यूट्रिशन है न्यूट्रिशन से कौन डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड है हमारा सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम. क्योंकि जो डाइजेस्टेड फूड हमारे पास आया था वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मिलकर के क्या रिलीज करता है एनर्जी जो कि क्या कहलाता है एसिमिलेशन है ना. और सेकेंड चीज सर्कुलेशन से कैसे रिलेटेड है कि जो डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हुआ है वो लेके कौन जाता है उसको लेके जाता है कौन ब्लड. और वो इसमें और ब्लड क्या है ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू है अपने आप में फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू है जो कि फ्लूइड है मतलब फ्लूइड की फॉर्म में है कनेक्टिव टिश्यू. और जो पूरी बॉडी में क्या सप्लाई करता है पूरी बॉडी में सप्लाई करता है जो भी हमारा फूड है जो हमने अभी डाइजेस्ट किया उसको. इज इट क्लियर क्लास. तो इट मींस सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन दोनों किससे रिलेटेड है न्यूट्रिशन से क्योंकि न्यूट्रिशन फाइव स्टेप प्रोसेस है ह्यूमन बींग की जब हम बात कर रहे हैं उसमें. इज इट क्लियर क्लास. तो अब हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया. जो टॉपिक आपको नहीं समझ आया मुझसे पूछ सकते हो. और चैप्टर को हम कल से हम स्टार्ट करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स. इज इट क्लियर. तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा है हमने आज. आज हमने पढ़ा है डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन. फिर हमने पढ़ा है और फिर उसके फंक्शंस पढ़े हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के. फिर हमने ग्लैंड्स पढ़ी हैं. कौन कौन सी ग्लैंड पढ़ी है लिवर पढ़ा है हमने बेटा. हमने पढ़ा है पैंक्रियाज और पैंक्रियाज का फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन जो फूड का है वो क्योंकि थर्ड स्टेप है ये
एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. फिर उसके बाद हमने पढ़ा है एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो तो हमारे पास इंटेस्टाइन में ये सब कंडीशंस होती हैं जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कराती है. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये. उसके बाद है ये जो फेट ऑफ एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन का आगे में होता क्या है, वो हमारी बॉडी में हमारे सेल्स के अंदर एसिमिलेट हो जाता है, एनर्जी रिलीज करते हैं, ऑक्सीडाइज होकर के एनर्जी रिलीज करते हैं. उसके बाद हमने क्या किया कि इजिशन जो एब्जॉर्प्शन मतलब वाटर और सम इम्पॉर्टेंट सॉल्ट्स ऑफ बॉडी से यूज कर लिए, बॉडी में यूज कर लिए एब्जॉर्ब करके लार्ज इंटेस्टाइन में. फिर हमने क्या किया, इजिशन किया, वेस्ट को रिमूव किया. फिर हमने एक टॉपिक देखा डाइजेशन ऑफ फूड इन रूमिनेंट्स, क्योंकि उनके पास क्या रूमन होता है, और रूमन जिसके पास होता है वो ड्यूमिनेंट्स कहलाते हैं, वो प्रोसेस जिसके थ्रू वो रीडाइजेस्ट करते हैं फूड को वो कहता है रूमिनेशन. इज इट क्लियर? उसके बाद हमने पढ़ा डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज डाइजेस्ट करने के लिए उनके पास क्या होता है, स्पेशल सैक्स होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, कैइकम, कैल्शियम, कैल्शियम बोलते हैं. और लास्ट में हमने पढ़ा था कि सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है. तो आप एक बार चैप्टर को गो थ्रू होंगे, और जो टॉपिक नहीं समझ आया मुझसे पूछ सकते हो. एनसीईआरटी से थोड़ा सा आसान पड़ता है इस बुक से पढ़ाना, क्योंकि सिर्फ पिक्चर अच्छी हैं, थोड़ा सा वास्ट है, लेकिन उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, अच्छा है, एक्स्ट्रा नॉलेज ही आपको अवेलेबल होती है. कल हम इसके कीवर्ड्स देखेंगे और बताएंगे आपको.